ऐसे तो चटनी खाना किसको पसंद नहीं है, और आप एक बार बना के रख दे इसलिए आज हम लेके आए हैं ऐसी चटनी जो आप कभी भी किसी चीज से खा सकते हो। तो आज हम लेके आए हैं प्याज की चटनी की रेसिपी, जिसके लिए हमने लिए हैं ये 6 प्याज। ये मीडियम साइज का प्याज है जिसको हमने छील करके और धो लिए हैं। अब इसको पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे हम। और यहाँ पे चटनी बनाने के लिए सूखे मसाले में हमने लिए हैं 1 चम्मच धनिया, खड़ा धनिया है, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, और ये 4 कश्मीरी मिर्च है। अब इन सबको हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इससे हमारी चटनी के जो फ्लेवर है अच्छी आएगी। बस इनको हल्का ही रोस्ट करना है, भुनना नहीं है। और इस तरह से खाली कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है 1/4 सरसों का तेल, और इसमें डालेंगे ये लहसुन, ये 8-10 लहसुन है, और ये प्याज जो हमने पतले पतले स्लाइसेस में काट के रखे हैं। याद रखिएगा हम प्याज की चटनी बना रहे हैं तो यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और लहसुन की कम। और प्याज को चलाते हुए इसको थोड़ा सा पका लेंगे हम। और इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज को पकाना है हमको। आंच को मीडियम रखना है। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली। इमली को इस तरह से खोल देंगे। आपके पास अगर इमली ना हो तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस नहीं डालिएगा, या तो इमली या तो आमचूर, यही दो ही डालिए, दो में से कोई एक डाल सकते हैं आप। और बस इसको इतना ही पकाना है हमको। और अब गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इसको हम पेस्ट बनाएंगे। तब तक हम इसको पाउडर बना लेते हैं, सूखा पीस लेते हैं। और अब सेम पैन में हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने लिए हैं फिर 1/4 सरसों का तेल, और तेल कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको चटनी स्टोर करके रखना है तो तेल कम नहीं होना चाहिए, और आप चटनी 1 से 2 दिन में खा जाएंगे तो कम भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मंगरेल, इसको कलौंजी भी बोलते हैं, और थोड़ी सी कड़ी पत्ता,
और इसमें डालेंगे अब आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च, इससे हमारे चटनी में कलर आएगा। और इसके साथ ही डालेंगे ये जो हमने प्याज पीस के रखे हुए हैं ऑनियन को, और इसको मिला लेंगे। और अब इसमें जो हमने सूखे गरम मसाले पीस के रखे हैं वो डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा सा पानी इस डालेंगे कि हमारी चटनी की जो कंसिस्टेंसी है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से पका लेंगे पहले कि चटनी हमारी खराब ना हो, तभी आप स्टोर करके इसको रख सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया चटनी हमारा दिख रहा है। और इसको हमने 8 मिनट पका चुके हैं और 5 मिनट और पकाएंगे हम। और 5 मिनट हो चुका है और देख लीजिए कितना बढ़िया कलर आया है चटनी का, और चटनी का सारे मॉइस्चर निकल गया है। और देख लीजिए कितना बढ़िया आया है कलर खिल के। और ये हमारी चटनी बनके तैयार है। और देखिए आप इसको रोटी पराठा पूड़ी किसी के साथ आप खा सकते हैं। खाइए और इंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।